बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हैं कंप्यूटर के जो लेक्चर हैं वो फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, आ चुकी है, अनाउंस कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा जो 21 मार्च को जो है ये एग्ज़ाम जो है होने वाला है, तो इसके लिए जो है कम से कम जो है 4 या 3 लाख जो बच्चों ने अप्रोक्सीमेट जो है इसके लिए अप्लाई किया है, जिसके लिए आपको एक पोस्ट के लिए जो है 140 के अप्रोक्सीमेट जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि एग्जाम देंगे, और एक पोस्ट के लिए आप सोचो कितना कंपटीशन होगा। तो आपको आपकी जो तैयारी है उसी तरह करनी पड़ेगी। तो हम आपको जो है फ्री जो है कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम क्लियर करने में आसानी हो। और जो इसका जो सिलेबस है यूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, उसके जो प्लेलिस्ट में जो है जिसका नाम है यूनियर ऑफिस JIT अब की बार पार, तो उसमें जो है आप उसका सिलेबस जो है चेक कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे जो है लेक्चर पड़े हुए हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। बट अब हम जो है कंटिन्यू फिर से करने वाले हैं कि आपको जो है कंटिन्यू वे में जो है लेक्चर मिले। सबसे पहले हम लोग जो है एक जो है टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो क्या करेंगे कि जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, वो हम लोग डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग जो है आज जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की जो है इंट्रोडक्शन जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर का परिचय जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये कंप्यूटर जो वर्ड है, ये कंप्यूटर ये वर्ड जो है कहां से आया है। तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये आया है कंप्यूट से, कहां से है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है ये कहां से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से जी क्या किया गया है, लिया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे, आप सोचो कि हमारी लाइफ में जो कंप्यूटर था उसका आना इतना जरूरी था। आप सोचो कि अब 2021 में जो है आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो एक इम्पॉसिबल सा बन गया है। इम्पॉसिबल तो नहीं है बट हम लोग इनके बिना रह सकते हैं, बट जो इससे क्या होगा कि हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा, जिससे कि हम लोग जो हैं जो भी छोटा काम भी करना होगा उससे हमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। तो हमने कंप्यूटर जो सबसे पहले ये क्यों लेके आए थे, तो कंप्यूटर इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो लेके आए थे, ये हमें क्या करता है कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो किसके लिए हम लोग कंप्यूटर को लेके आए थे, ये क्या करता है कैलकुलेशन में जो है हेल्प करता है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करना चाहता है, अपनी एक जो है फैक्ट्री लगाना चाहता है, ठीक है। तो कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है अपनी, तो मान लो वो क्या करता है कि XYZ किसी की भी जो है फैक्ट्री लगाना चाहता है। तो मान लो जैसे कि उसने क्या करना है, गारमेंट की जो है फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। तो ये उसने क्या किया कि यहाँ पे उसने ये एक जगह है, वहां पे उसने क्या करना है गारमेंट की फैक्ट्री लगानी है। अब वो कंफ्यूज है कि वो ट्रेडिशनल कपड़े डाल रखे या फिर जो वेस्टर्न वाला न्यू कल्चर आ रहा है वो वाले कपड़े रखे। तो उसको ये पता करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करने का पड़ेगा, एक सर्वे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सर्वे। और अगर हम लोग पुराने जमाने की बात करते हैं सर्वे के लिए, तो क्या करेंगे, वो अपने कुछ वर्कर हैं उनको भेजेंगे उस जगह, घर घर जाएंगे, वहां पे चेक करेंगे, हर घर जाएंगे वहां पे पूछेंगे कि आपका जो है आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हो, कौन से नहीं। फिर वो करेंगे, फिर वो जो कैलकुलेशन करने के होंगे, सर्वे करने के होंगे, ऑब्वियसली बात है वो वर्कर है, इंसान है, तो वो थक भी सकते हैं, वो कहीं रेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्या करेगा कि इसमें जो ये जो फैक्ट्री के लिए जो सर्वे किया जा रहा है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जिससे बट अगर हम लोग अभी की बात करें, करंट की बात करें, तो अब हम जो अगर कंप्यूटर से अगर हम लोग ये सर्वे करते हैं, तो कंप्यूटर से सर्वे करने पे हमें ये जो रिजल्ट है बहुत ही कम टाइम में जो पता चल जाता है, जिससे कि हमारा काम जो है बहुत इजी वे में जो है हो जाता है। तो
हम लोग फोटोज होगी, वीडियोज होगी, कितना कुछ हम लोग अपने लैपटॉप में मोबाइल में जो है स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या करता है कि हमें हेल्प करता है। सबसे पहले मेन बात की ये है कि कंप्यूटर का जो मेन काम था वो क्या था, जब सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था तो इसका काम था कैलकुलेशन करना। क्या काम था? कैलकुलेशन करना। अब जो है कंप्यूटर को क्या किया गया है कि इसका जो बेसिक है, कंप्यूटर का सिर्फ तीन पार्ट में जो है इसका बेसिक है। सबसे पहले यहाँ पे आती है इनपुट, उसके बाद ये मान लो हमारा सीपीयू है, प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। उसके बाद ये आ गई हमारी आउटपुट। सबसे पहले हम लोग जो है कंप्यूटर को क्या देंगे, इनपुट देंगे, उसके बाद हमें क्या मिले, फिर वो क्या होगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। ये जो बेसिक काम है, अगर किसी को ये समझ आ गया ना तो समझ लो उसको सारा कंप्यूटर समझ आ जाएगा, क्योंकि यही जो है इसका बेसिक जो है, यही इसका पार्ट है कि पहले इनपुट दो, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर उसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया इनपुट, दी 2 into 12 दी, तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, ALU, जिसको क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो सीपीयू के अंदर लगी होती है, जो क्या करता है, सिर्फ जो है कैलकुलेशन का काम करती है। जो भी अर्थमेटिक, जो हम लोग प्लस माइनस डिवीजन जो भी हम लोग देते हैं, उसको ऑपरेशन करने के लिए ये वो करती है। तो ये हमें आउटपुट क्या मिला, 24 हमें क्या मिल गई, आउटपुट मिल गई। तो यही काम होता है कंप्यूटर का मेन, ये अगर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, हमें प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करती है और ये आउटपुट जो है हमें मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनपुट क्या होती है, इनपुट क्या होती है, इनपुट ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग क्या करते हैं कि हम जिसका, जिससे हमारा जो डाटा है, ये कंप्यूटर है, मान लो ये कंप्यूटर है, हम लोगों ने क्या दिया, ये है कीबोर्ड, ठीक है, ये इसके साथ अटैच है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है और ये है माउस। हम लोगों ने कीबोर्ड से क्या किया, कोई बटन प्रेस किया, वो यहाँ पे दिखाई देगा कि इसने क्या लिखा, जो यूजर है उसने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो वो हमें क्या कर रहा है कि वो हमें कंप्यूटर के अंदर से जो हम लोगों ने इनपुट दी है, तो वो हमें जो हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, और जो डाटा हमें बाहर दिखाई देता है उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो मान लो कि ये हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको क्या बोला जाता है, मॉनिटर बोला जाता है। तो हमें मॉनिटर पे ये एक्स दिखाई दे रहा है, तो मॉनिटर क्या है, हमारी एक आउटपुट डिवाइसेस है जो हमें क्या करी है कि अंदर का जो डाटा है हमें बाहर जो दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो फोन है, ये है स्पीकर, ठीक है, आपने क्या किया कि अपने फोन को इसके साथ अटैच किया, ठीक है, तो अपने फोन को जब आपने यहां से अटैच किया तो आपने अपने स्क्रीन से क्या किया, गाना प्ले किया, तो ये स्पीकर है, उससे ये जो गाना है ये बज रहा है। आवाज कहाँ आ रही है, स्पीकर से बाहर की तरफ जो है सुनाई दे रही है, तो मतलब वो क्या है, स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या कर रही है कि डाटा बाहर लेके आ रही है। बट ये जो हमारी, ये जो हमारा कंप्यूटर है जहां से हम लोगों ने गाने प्ले किए हैं, तो वो क्या है, हम लोगों ने इनपुट दी है इसको कि वो गाना चले, तो वो क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। तो वैसे बहुत सारी जो है इनपुट डिवाइसेस है, वो मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं उसमें आपको वो है पढ़ाऊंगी। आपको क्या करना है कि हमारे किसी तरह चैनल, हमारे जो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हमारे चैनल की जो है रेगुलर जो है वीडियो मिलती रहे, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जो है कंप्यूटर की जो है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।